नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चार बजे हैं, वक्त नॉनस्टॉप 100 का है, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के सामने उत्तर प्रदेश पुलिस की ने उनकी बात मान ली है। आखिरकार यूपी पुलिस को राहुल गांधी की मांग माननी पड़ी है। राहुल गांधी को सीतापुर जाने की इजाजत देनी पड़ी और सीतापुर से वो लखीमपुर खीरी भी जाएंगे। लखीमपुर खीरी से पहले सीतापुर जाएंगे और वहां से अपनी गाड़ी से वो प्रियंका को साथ लेकर, अपनी बहन को साथ लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ उनके साथ दो मुख्यमंत्री भी होंगे, दो राज्यों के, एक पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे। तो ये पांच लोगों को इजाजत मिली है और ये पांचों साथ में जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी इस बात पर अड़े हुए थे कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा लखीमपुर खीरी। प्रशासन ने उनसे कहा था कि आप सरकारी गाड़ी में जाएंगे, लेकिन राहुल ने ये बात नहीं मानी और एयरपोर्ट पर ही वो धरने पर बैठ गए थे जब उन्हें इजाज़त नहीं दी गई थी। तो और अब सीतापुर के लिए निकले हैं, सीतापुर जहां उनकी बहन प्रियंका और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है। गेस्ट हाउस को ही अस्थायी जेल में तब्दील कर दिया गया है। पहले प्रियंका गांधी से मिलेंगे और उसके बाद फिर वो आगे लखीमपुर खीरी जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में किसानों की मौत और उसके बाद हुई हिंसा में चार लोगों की मौत, यानी कुल आठ लोगों की मौत पर जबरदस्त राजनीतिक हलचल है। कांग्रेस इस मामले में सबसे ज्यादा सक्रिय। पहले कहा परमिशन मिल गई, अब चलने दीजिए ना मुझे। आप ये देखिए, लखनऊ एयरपोर्ट पे जैसे उतरे राहुल गांधी, वहां पर उन्हें रोका गया और उसके बाद जब इजाजत नहीं मिली तो धरने पर बैठ गए। चरणजीत सिंह चन्नी, भूपेश बघेल उनके साथ थे, रणदीप सुरजेवाला और दूसरे नेता भी राहुल गांधी के साथ वहां पर मौजूद थे। लेकिन इसके बाद जब परमिशन मिली, परमिशन ये भी थी कि आप सरकारी गाड़ी से जाइए, लेकिन राहुल जिद पर अड़े रहे और राहुल की जिद पर पुलिस को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और उसके बाद ये इजाज़त दे दी गई है। तो अब लखीमपुर खीरी जाकर पीड़ित किसानों के परिवार वालों से राहुल गांधी मिलेंगे। हालांकि सरकार ने 45 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान तो किया था, लेकिन उसके बाद भूपेश बघेल यानी कि छत्तीसगढ़ और पंजाब, चरणजीत सिंह चन्नी छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने भी 50-50 लाख रुपए मुआवजा इन किसानों के परिजनों को देने की घोषणा कर दी है। तो कुल 1,45,00,000 रुपये मुआवजा भी हो चुका है। लेकिन ये अभी जो